गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून जी। की हाल चाल जी? वधिया हो? सारे तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया एकदम? चलो बहुत वधिया, वधिया ही होना चाहिए जी। एक और गुड न्यूज़ अपनी पूरी फैमिली के लिए लेके आ रहा हूँ जी, बट ये सारे बच्चों के लिए नहीं है। मैं क्लियर कर दूँ, ये गुड न्यूज़ सारे बच्चों के लिए नहीं है, उन बच्चों के लिए जिनका टारगेट है टेक्स में 80 मार्क्स या 90 मार्क्स या 100 में से 100 नंबर लेने का। मैंने क्वेश्चन कंपाइल किए हैं सर, अप्रोक्सीमेट 1000 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जब वो क्वेश्चन आप सोल्व करोगे ना, मतलब आपको वाकई ये ना लगे कि सर मजा आ गया क्वेश्चन करके, फिर आप मुझे बोल देना। उस लेवल के वो क्वेश्चन हैं, बट वो क्वेश्चन तभी होंगे, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। वो क्वेश्चन बैंक जो है, क्वेश्चन बैंक टेलीग्राम पे डाल दूंगा, सभी पूरी की पूरी फैमिली के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट वो आप ऐसे नहीं करोगे सर, क्योंकि क्वेश्चन उसमें चैप्टर वाइज नहीं है। हाँ, अगर आपका टारगेट 50 नंबर लेने का है, 55 नंबर लेने का है, 60 नंबर लेने का भी है, तो अगर आप सिंपल सिंपल क्वेश्चन करोगे तो भी आपके 60 नंबर आ जाएंगे। बट अगर आप वाकई चाहते हो कि सर मुझे उस लेवल के प्रैक्टिस करने, जैसा अभी हमारा एग्जाम आ रहा है, क्योंकि आपने देखोगे सर आपका एग्जाम का लेवल जो है ना, वो पुराने जमाने वाला रहा नहीं, वो स्कैनर वाला नहीं, खत्म सर, वो स्कैनर वाले जमाने जा चुके हैं, वो सिंगल सिंगल लाइन वाले खत्म, क्योंकि बच्चे को क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं। तो क्वेश्चन किस लेवल के आएंगे, मैंने क्वेश्चन उसके अंदर मतलब सारे एक तरह के कंपाइल किए हुए हैं, चाहे वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी हैं और सारे सिंगल सिंगल एक एक नंबर के एमसीक्यूज बेस हैं। आपको मैं भी दिखाऊंगा जी, इधर देखो ध्यान से। मैंने क्वेश्चन बैंक का नाम ही रखा है हाई लेवल इनकम टैक्स एंड जीएसटी स्कैनर। इसमें हाई लेवल के एमसीक्यूज होंगे, बट वो तभी सोल्व होंगे, मैंने बड़े बड़े शब्दों में डिस्क्लेमर लिखा कि जब आप 2 बार रिवीजन कर लोगे, डिटेल रिवीजन करोगे, तब इस क्वेश्चन को हाथ लगाना। रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के पहले मत कर लेना, नहीं होंगे सोल्व, आप डीमोटिवेट हो जाओगे, आपको लगेगा सर पेपर सोल्व कैसे करेंगे। बट हाँ, अगर आपने 2 बार प्रोविजन डिटेल में पढ़ ली है, मैं गारंटी दे रहा हूँ सर, इसको करने के बाद ना, इस क्वेश्चन बैंक को करने के बाद अगर आपके 70 से कम मार्क्स आ गए, मुझे पकड़ लेना। आपको मैं दिखा दूंगा एग्जाम में सर, एग्जाम में सिंगल सिंगल क्वेश्चन अगर आपको ऐसा देखने को ना मिले, फिर आप मुझे बोल देना। बड़े क्वेश्चन बैंक ऐसे नहीं होगा, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जो काफी टाइम से कहते हैं सर बढ़िया क्वेश्चन बैंक दो, मतलब जिसमें टाइम लगे, मजा आए, क्योंकि एग्जाम का जो लेवल आ रहा है वो बच्चों वाले क्वेश्चन तो बातें नहीं है सर, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। अब बच्चों वाले क्वेश्चन 30-40 नंबर के हैं, वो तो हम सोल्व कर लेंगे, बट बाकी क्वेश्चन सोल्व कहां से करें। तो मैंने क्वेश्चन कंपाइल कर दिया पूरा का पूरा, क्वेश्चन बैंक आपके सामने, इनकम टैक्स का भी है, जीएसटी का भी है, उसमें एक एक नंबर वाले सारे एमसीक्यूज हैं, इसके आंसर भी साथ में, बट आंसर मैंने बाद में दिए, पहले आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, आंसर उसके बाद में होंगे जी, ठीक है। और मैंने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनाया, केस स्टडी बेस्ड का मतलब है कि पूरा एक बड़ा क्वेश्चन है, उसके अंदर से मैंने एमसीक्यूज निकाले, ठीक है। और ये पूरी की पूरी फैमिली के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको मैं अभी टेलीग्राम पे डाल दूंगा। बाकी आज शाम को जो एमसीक्यूज वाला सेशन है, उसके क्वेश्चन भी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और उसके शाम को आंसर हम डिस्कस करेंगे अगर मेरी तबीयत सही रही, क्योंकि अभी गले की मेरी प्रॉब्लम अभी है, मतलब मेरे को पता मैं कैसे बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ अभी फट रही है एक्चुअली में। तो मतलब अगर मैं शाम को रहा नहीं, तो मैं क्वेश्चन तो मैं डाल दूंगा, आप उसको करके रखना, आप क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करके रखना जी। बाकी शाम को मैं यहाँ पे आऊँगा, उसके आंसर हम डिस्कस करेंगे, अगर नहीं आ पाया तो मैं आंसर डाल दूंगा, आप एक बार आंसर चेक कर लेना। फिर कल जब हमारी क्लास होगी, कल या परसों जब भी हमारी क्लास होगी, उसके अंदर जो भी आपके डाउट्स होंगे वो डाउट्स मैं सोल्व कर दूंगा। तो स्पेशली एक और गिफ्ट है पूरी फैमिली के लिए, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बैंक, जिसमें इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों चीजें होंगी। आपको मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन, सर मजा आ जाएगा क्वेश्चन करके, मैं सही बता रहा हूँ। आप अगर ना कह दो कि क्वेश्चन करके मजा आ गया, फिर आप मुझे बोल देना, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन कंपाइल मैंने किए हैं, आईसीएआई का सोर्स है, आईसीएस आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन, मतलब जितने भी अभी तक के बेस्ट क्वेश्चन है ना, वो सारे इसके अंदर हैं। अगर मैं चाहूँ तो 7000 क्वेश्चन एमसीक्यूज मेरे तैयार पड़े हुए हैं, बट उसको देने का फायदा नहीं है, क्योंकि वो बच्चों वाले क्वेश्चन है, वो पेपर आ ही नहीं रहा सर। आपको ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि हम ये क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे नहीं कर पा रहे जी। और जिन बच्चों ने अगर एक दो अटेम्प्ट पहले दिए हैं, उनको पता लग जाएगा कि अब ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं जी, ठीक है जी। तो स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनका टारगेट हाई है, और मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे का टारगेट हाई हो, 80-90 मार्क्स का हो, बट अगर 40-50 नंबर का टारगेट है, तो अगर आप ये नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 40-50 नंबर वैसे भी आ जाएंगे, ठीक है। बट मैं चाहता हूं कि आपका टारगेट 80-90 मार्क्स का हो, ठीक है जी। और मैंने स्पेशली ऊपर बड़े बड़े शब्दों में डिस्क्लेमर इसलिए लिखा है कि डिस्क्लेमर पहले पढ़ लेना जी, कि अगर 2 बार आपने डिटेल रिवीजन कर ली है, उसके बाद ये क्वेश्चन सोल्व करना, उससे पहले मत करना, क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज नहीं है, इसमें चैप्टर वाइज नहीं है सर, इसमें मिक्स एमसीक्यूज है, ठीक है ना। चैप्टर वाइज अगर एमसीक्यूज चाहिए तो टेलीग्राम पे पहले डले हुए हैं, वो आप कर सकते हो, ये मिक्स एमसीक्यूज है, और ये होंगे ही तब जब आपने पूरा टैक्स और पूरा जीएसटी आपने अच्छे से रिवाइज किया हुआ है, अदरवाइज आपसे होंगे ही नहीं जी, ठीक है जी। बट हाँ, मेरी एक इच्छा थी कि जो बच्चे नंबर लेना चाहते हैं और वाकई चाहते हैं कि हम क्वेश्चन करें और हमें मजा आए, हमारे नंबर बहुत बढ़िया आए, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए एक स्पेशल छोटा सा गिफ्ट है पूरी फैमिली के लिए,
फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंजॉय करो जी, ठीक है जी। तो ये आपके मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा और इसको आप आराम से करना स्टार्ट कर सकते हो जी। जो आपने पहले इनकम टैक्स करना है पहले इनकम टैक्स कर लेना, पहले जीएसटी करना है पहले जीएसटी कर लेना जी, ठीक है जी। चलो जी, तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे होपफुली शाम को। मैं शाम को जो एमसीक्यूज करने हैं वो भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वो एमसीक्यूज आप करके रखना। आज हम एमसीक्यूज करेंगे सैलरी के भी हाउस प्रॉपर्टी के भी जी, ठीक है जी। चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय जी।